ऐसा है, वैसे तो भारतवर्ष में हर महीने में कोई न कोई पर्व का महत्व होता है, मगर कार्तिक मास में ये शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन चातुर्मास अषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और आज के दिन वो जागते हैं। आज के बाद से जितना भी शुभ कार्य है शुरू हो जाएगा। आज के दिन स्नान करने के बाद अपने देवी देवताओं का पूजन करें, उसके बाद तुलसा जी और विष्णु जी का पूजन करने के बाद यथा योग्य ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, दरिद्र नारायण को भी भोजन करावें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, घर में सुख सौभाग्य प्राप्ति होती है। तुलसा जी के विवाह में मंडप बनता है और गन्ने से मंडप बना के उसके नीचे पूजा पाठ होता है, इसलिए गन्ने का महत्व आज अधिक है।